जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हरतालिका व्रत के ऊपर। कई देवियों का फोन आया, बोले गुरुजी कभी व्रतों के ऊपर भी कुछ बोलिए, व्रतों के ऊपर भी प्रकाश डालिए। तो आज हमने सोचा कि ये भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया जो होती है, ये हरतालिका व्रत कहलाती है। इसमें प्रायः जो है तो देखा यह गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि की देवियां जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, इस व्रत को जो है बड़ी श्रद्धा से करती हैं और बहुत कठिन जो है तो निर्णय भी इनका होता है, बहुत कठिन तपस्या करती हैं। जो एक दिन पहले से ही जो है संध्या के समय दातुनी आदि करके जो है शयन करती हैं। वास्तविक व्रत का तो नियम भी यही है और पूरा दिन निराहार रहती है, और पूरा दिन मन नहीं बल्कि पूरी रात्रि निराहार रहती है। पूरी रात्रि निराहार रह करके इस व्रत को जो है करती हैं। तो क्या आपको पता है कि ये व्रत जो है कब से जो है प्रचलित हुआ, ये व्रत कब से उद्भूत हुआ? इससे पहले इस व्रत की चर्चा करें, थोड़ा सा जो है भगवान शिव की जो है शिव का ध्यान कर लेते हैं, शिव का मंगलाचरण कर लेते हैं, जिसलिए जो है यह व्रत भी आपका जो है तो मंगलमय हो, आनंदमय हो। तो आए भगवान शिव का ध्यान तो ध्यान करते हैं, नमः शिवाय का जो है स्मरण करते हैं। मंदार माला कुलिला कुलिताल कायी, कपाल मालांकित से खरायो, दिव्यां बरायी च दिगंबरायो, नमः शिवायी च नमः शिवायो, नमः शिवायै च नमः शिवायो। क्यों, यह व्रत जो है भगवान शिव का ही है। हाँ, इस व्रत का जो है प्रतिपादन भगवती पार्वती ने जो है किया था। जब सती रूप में पार्वती अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना कर सकी, शिव के यज्ञ में जो है अपने आप को जो है योगाग्नि के द्वारा ध्वंस कर दिया, फिर उनका जन्म जो है दोबारा मैना के यहां, मैना के यहां जन्म होता है, हिमवान के यहां जन्म होता है। किंतु जो है पूर्व जन्म की स्मृति पति परायणा होने के नाते उनमें जो है बनी रही, वह सदा जो है भगवान शिव के चिंतन में ही लगी रही, बचपन से ही, जन्म के बाद से। अब जब युवावस्था आई तो पिता से आज्ञा लेकर के शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कैलाश में जा करके कठोर तपस्या करने लगी, कठोर तपस्या ही माने रही। तपस्या पल्लवित होने ही वाली थी, तब तक जो है तो नारद जी आ गए और हिमवान से कहा कि राजन, तुम्हारी पुत्री का जो है वरण भगवान विष्णु करना चाहते हैं। और अपने तरफ से भी जो है उसका पुट लगा दिया, बोले तुम्हारी पुत्री की तपस्या जो है संपन्न हो गई, सफल हो गई, अब उसे तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या से विरत कर दीजिए। नारद जी मक्खनबाजी में तो होशियार हैं ही, तो उन्होंने अच्छी तरह से मक्खन लगा करके जो है हिमवान को जो है तो पुष्ट कर दिया, हिमवान को विश्वास हो गया और वह जो है तो विवाह के लिए जो है तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि विष्णु से सुंदर श्रेष्ठ वर मेरी पुत्री के लिए और कौन मिलेगा।
अर्थात यह सूचना जो है सखियों के माध्यम से पार्वती को प्राप्त हो गई कि तुम्हारे पिता जो है तो तुम्हें लेवाने आ रहे हैं। तब सखियों ने कहा कि इस स्थान को छोड़ो, जल्दी चलो चलो, और सखियों ने जो है हरण किया और दूसरे वन में जो है चली गई और वहां जाकर के जो है उन्होंने कठोर तपस्या किया। तब उस कठोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव जो है प्रसन्न होते हैं और पार्वती का जो है तो वरण करते। तभी से जो है इस व्रत का जो है प्रचलन हुआ। इस व्रत में विशेष रूप से शिव पार्वती और गणेश की पूजा होती है। और जानते हैं इसका नाम भी कैसे पड़ा, आलिभीर हरिता यस्मात तस्मात सा हरतालिका। आलिभीर अली कहते हैं जो है सखी को, सखियों के द्वारा हरण की गई हो वह हरतालिका, अर्थात सखियों के द्वारा ही तो जो है पार्वती को उठा करके और दूसरे वन में ले जाया गया और वहां जाकर के जो है वह अपने मनोरथ को जो है तो प्राप्त कर सकी। कठोर तपस्या किया, उस कठोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव को जो है तो प्राप्त कर सकी। तभी तो यह बात जो है तो संभव हुई कि बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी। उन्होंने कहा या तो मैं शंभु का ही वरण करूंगी, भगवान शिव का ही वरण करूंगी, और नहीं तो जो है आजीवन कुमारी रहूंगी। ऐसी दृढ़ निष्ठा से स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में जो है तो न अन्न लेती, न जल लेती, न पानी लेती, न कुछ नहीं लेती। हाँ, व्रत में जो है तो महात्म्य में यह बात जो है तो कही भी गई है कि यदि कोई स्त्री कदाचित जो है इस व्रत को नहीं करती तो उसे सौभाग्य की हानि होती है। दूसरी बात, अन्ना हारा च सूकरी स्यात्, अन्न खा ले तो सूकरी होती है, फल भक्षण मरकटी, फल खा ले तो मरकट हो जाती है, बंदरिया हो जाती है, बंदरी हो जाती है। और जलौका जल पाने न, और जल आदि पी ले तो जो है तो जल जंतु हो जाती है, जल जोंक हो जाती है। छीरा हारेण च सर्पणी, दूध आदि या जो है मट्ठा आदि का पान करे तो सर्पणी हो जाती है। इस तरह से अनेकानेक प्रकार से जो है तो भय भी जो है तो दिखाया गया। तो इस व्रत को मित्रों जो देवियां जो है ईमानदारी से जो है करती हैं और भगवान शिव का जो है संस्मरण करती हैं, स्मरण करती हैं, तो निश्चित जो है उनमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 7 जन्म तक जो है उनका सौभाग्य सुरक्षित रहता है। जिस तरह से जो है पार्वती ने जो है इस व्रत को करके जो है भगवान शिव को जो है अखंडता से प्राप्त किया है, इसी तरह से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के हेतु जो है यह हरतालिका व्रत किया जाता है। आज मैंने जो है हरतालिका व्रत के ऊपर जो है संक्षेप प्रभाव डाला है, संक्षेप कथा भी है, संक्षेप पूजन का विधान भी है, किनकी पूजा की जाती है यह भी जो है हमने बताया है। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम करूंगा और मैं आशा करूंगा कि देवियों को जो है इस व्रत के महात्म से लाभ मिलेगा और वह इसे जो है तो प्रचारित करेंगी, हमारे चैनल को लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और भगवान भोले बाबा की, शिव की, शिव पार्वती की कृपा बनी रहे, आप में जो है श्रद्धा और विश्वास बना रहे, क्योंकि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। इसी तरह से जो है आप भी जो है आप श्रद्धावान बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।